हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे अबाउट वर्क डन इन रोटेट अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने कंप्लीट कर लिया था वो टॉपिक। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि कल तो हमने वर्क डन देखा था, आज अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे डायपोल की, अगर वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक है मैंने देखे, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी क्या, तो उसको ध्यान से सुने आप। किसी भी पार्टिकल की, डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी भाई, चार्ज की। आप जो चार्ज से लेकर के चलो, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, जब आप एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हो तो आप क्या कहते हो कि वो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो कहते हो आप पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है स्टार्टिंग में, तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ी है ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पार्टिकल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेकर के आ रहे हैं तो जो वर्क डन किया जा रहा है या जो वर्क किया जा रहा है, ठीक है, वो पार्टिकल में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट से लेकर आओगे, इनफाइनाइट से चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे तो जो कार्य किया जाएगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए क्या होगी, डायपोल के लिए क्या होगी, अगर आप एक डायपोल को उठाकर लेकर आओगे इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डायपोल की। तो चार्ज को उठाकर लेकर आओगे तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और डायपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे तो जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द डायपोल इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वो क्या कहलाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल, ठीक है। तो पहले मैं लिख दूँ, द पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in an electric field is equal to work done to bring an electric dipole from infinity to that electric field, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायपोल को लेकर आए हो कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो जो वर्क किया जा रहा है दैट विल बी स्टोर्ड इन द पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट, ओके, ठीक है। तो वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखें, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपका एक डायपोल है जिसको इनफाइनाइट से लाए हैं हम, माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू, और ये हमने डिस्टेंस मान ली 2a, इस डायपोल के जो चार्जेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस है 2a, है ना। इस पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू ई लगेगा, अपोजिट टू द फील्ड, ये हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस क्यू ई लगेगा, है ना, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये, ठीक है। तो प्रोटोन को, सॉरी, जो चार्ज डायपोल है उसको आप इनफाइनाइट से लेकर आए हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। चलें, तो वर्क कितना होगा, है ना, W, दैट विल बी फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, ठीक है, प्लस Q पर लगेगा, माइनस Q पर अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q वही उसमें काउंट किया जाता है, इनटू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो
माइनस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 2a, इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है तो यहाँ इस फील्ड में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, माइनस क्यू चार्ज 2a डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2a डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया आपका w इज इक्वल टू, इसमें आप क्या कर लो, ये जो q इंटू 2a है वो तो क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ई अलग कर लो, क्या बन गया ये डायपोल मोमेंट, W इज इक्वल टू आ गया माइनस पी ई, समझ में आ गई। यहाँ पे आप बता देना वेयर पी इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी भाई डायपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, बताना ये डायपोल मोमेंट हो गया, स्मॉल से दिखा लो, अब तक स्मॉल से दिखाते आ रहे हो डायपोल मोमेंट को, किससे दिखा रहे हो, स्मॉल से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल से दिखा लो, कैपिटल से दिखा लो, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस पी इतना आप लिख लेना पूरा, कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इज प्लेस्ड एंड डायपोल इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट फील्ड, ठीक है, एंड डायपोल डायपोल में 2a डिस्टेंस पे दो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, ये आप लिख लेना सारा। तो इतना वर्क किया जाएगा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब ये जो है आपका W वर्क है, ठीक है, आपने ये भी बता दिया P की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, P की 2Q नहीं Q इंटू 2a, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है Q है, डिस्टेंस कितनी है 2a, ऐसे तो निकालते हो डायपोल मोमेंट तो जानते हो ना आप सभी, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया वर्क, लेकिन अभी तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपको दो कंडीशंस में मिलेगी, एक तो आपको निकालनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है, दूसरी मिलेगी जब आपने उसको थीटा एंगल पर घुमा दिया, तो एक तो पैरेलल रखा हुआ है, एक थीटा एंगल पर आपने उसको रोटेट कर दिया, तो कितनी एनर्जी आएगी दोनों का सम करके पोटेंशियल एनर्जी आएगी, समझ में आ गई, उससे फिर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, यानी कि जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, ठीक है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसको मैं U1 नाम दे दूं और वो कितनी होगी माइनस पी ई, ये जो एनर्जी आई है यही वर्क डन जो है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो ये एनर्जी कौन सी वाली होगी पैरेलल टू फील्ड, आपने डायपोल देखा पैरेलल टू फील्ड है, समझ में आ गई, यानी कि अगर आप इनफाइनाइट से डायपोल को पैरेलल टू फील्ड सीधा सीधा लेकर के आ रहे हो तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना वर्क किया जा रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अगर आपने उसको इनफाइनाइट से ला करके पैरेलल घुमा दिया तो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि कल हमने क्या किया था, वर्क डन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम थीटा एंगल हमने निकाला था, तो वो वर्क डन जो होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, किसके लिए, थीटा एंगल से घुमाने के लिए, तो इनफाइनाइट से हम अगर सीधा सीधा लेकर आ रहे हैं पैरल तो इतना वर्क डन किया जाएगा और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर आपने उसको इनफाइनाइट से ला करके घुमा भी दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो कल हमने टॉपिक किया था, जो हमने कल वर्क डन निकाला था, ठीक है, ठीक है। नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम पैरेलल पोजीशन, अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया यू टू, और कण निकाली थी हमने कितनी आई थी पी ई वन माइनस कॉस थीटा निकाली थी कि नहीं निकाली थी, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन टू, ये इक्वेशन नंबर थ्री, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितनी होगी U1 वन प्लस यू टू दोनों को जोड़ दो टू और थ्री को, तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई प्लस पी ई वन माइनस कॉस थीटा, खोल लो इसको तो कितना आएगा माइनस पी ई प्लस पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, खोल लिया ना मैंने इसको, ब्रैकेट को खोल लिया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा,
है ना, स्मॉल लिया है ना, स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? अब देखो क्या मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत? वेक्टर क्वांटिटी है ना, ए डॉट बी कैसे खोलते हो, ए बी कॉस थीटा, तो पी ई कॉस थीटा को मैं पी डॉट ई तो लिख ही सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए, एक डायपोल के लिए। तो आप पहले डायपोल को पैरेलली लेकर आए तो वर्क डन इतना हुआ, और ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पहले तो पैरेलल लाई, फिर मैंने रोटेट किया तो कितनी होगी वो निकाली, रोटेट करने से हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टोटल कर दिया, ये आ गई। सो दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल। अब इसमें आप केसेस लगा सकते हो, है ना, केस लिख रही हूँ मैं, केस फर्स्ट। फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 degree तो यू कितना होगा, यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, 90 degree ले लो, 90, हाँ 90 ले लो, तो यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर पैरेलल है, 0 degree का मतलब पैरेलल ही तो है, तो इतनी ही तो आती है माइनस पी ई, ये तो लिख रखी है यहाँ पे, ये पैरेलल के लिए तो है, तो 0 है तो इतनी होगी 90 degree। अगर आपने उसको 90 degree या पैरेलल ला करके 90 degree एंगल पर घुमा दिया, तो घुमाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 0। क्यों आएगी, कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर तीसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 degree हो गया तो यू इज इक्वल टू प्लस पी ई हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपकी जो, ये जो कहलाता है आपका माइनस 1 के लिए, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल होता है मतलब ये स्टेबल, ये दोनों स्टेबल में आते हैं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, इसलिए इसको अलग से मेंशन किया। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल किस में हो गया, एक्सटर्नल फील्ड में, समझ में आ गया। पैरेलल के लिए लिख दिया, फिर घुमा दिया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसमें केसेस लगा दिया, यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख दो, फिर थीटा बराबर 90 रख दो, थीटा बराबर 180 degree रख दो, तो यू इज इक्वल टू आपके ये मिल जाएंगे। तो थर्ड वाला केस है वो किसके लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम क्या करेंगे, इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आपको वो बोला था जो कल हमने निकाला था, कर लिया ना वो आपने, वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो हमारा W निकला था ना, W क्या निकला था, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने कहा था थीटा बराबर डिफरेंट वैल्यू रख करके आप अलग अलग के लिए निकाल सकते हो, तो मैंने आपको कुछ दिए थे 0 90 और 0 180 के दिए थे, है ना। तो एक के लिए तो W बराबर पी ई आ गया होगा, और एक के लिए W बराबर 2 PE, 0 से 90 के लिए पी ई आएगा और 0 से 180 के लिए 2 PE आएगा, निकाल लिया होगा आपने, वैल्यू रख के निकाल लेना उसमें, है ना, कोई सिंपल सी बात है। जो लास्ट फॉर्मूला निकला था ना, W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, उसमें थीटा बराबर रख लो 0 से लेकर के 190 तक और 0 से लेकर के 180 तक, ठीक है। मतलब होगा ऐसे आपका, जो ऐसा करना आप, अगर किसी का नहीं भी हुआ है आपका, मैं बता देती हूँ। वैसे तो W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा आया, ये 1 क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कॉस 0 लिया था, है ना। तो अगर आपका 0 से लेकर के कहाँ तक है, 90, है ना, तो ये तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस 90 रख दोगे आप यहाँ पे, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो W इज इक्वल टू पी ई आ गया होगा। फिर 0 से 180 लोगे तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू पी ई 180 की वैल्यू प्लस 1 होती है, यहाँ पे 180 रखोगे ना तो 2 PE हो जाएगा। तो एक बेसिक फार्मूला क्या बन गया आपका, W इज इक्वल टू, ऐसे याद रखना, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू रखना, यहाँ पे सेकंड वैल्यू रखना, कैलकुलेट करना, W निकल जाएगा, समझ में आ गया। क्योंकि वैल्यू वो चेंज कर सकता है, हो सकता है 45 से 90 पूछ ले, या फिर कहीं से भी पूछ ले, बीच की कोई वैल्यू पूछ ले। तो पहली वैल्यू यहाँ रखना, दूसरी यहाँ रखना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये 1 भी क्यों आया है, क्योंकि हमने लिमिट 0 से थीटा ली थी, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए तो ये 1 आया है, ठीक है। तो 0 से 90 और 0 से 180 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पी ई और 2 पी ई मिल जाएगा। लेकिन अगर और अदर कोई वैल्यू है तो आप कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2 के बीच में ले लेना, ये फॉर्मूला लगाना, सब सब एंगल्स के लिए निकल जाएगा,
समझ में आ गई। कल हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।